गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन टूडे सेशन ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास. इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 9, दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस. इट मीन्स कि हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट यूज करेंगे और कितना इक्विटी यूज करेंगे, यही हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है. और मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूज द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज टू सेटअप द कैपिटल स्ट्रक्चर. सभी कंपनीज कोई ना कोई क्राइटेरिया, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो यूज करती हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए. एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो प्लेटफॉर्म, जो क्राइटेरिया यूज करती हैं, वो क्राइटेरिया क्या रहता है हमारा? फाइनेंशियल लीवरेज का रहता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का रहता है. तो आज हमने बच्चे वही इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइनेंशियल लीवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को ही अच्छे से डिस्कस करना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हुए हमारी कंपनीज किन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती हैं, वही कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. वेरी फर्स्ट, फाइनेंशियल लीवरेज रेफर्स टू प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल. फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है कि कितना डेट हमने अपनी टोटल कैपिटल में यूज करना है. ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर का भी यही मीनिंग है, उसी को ही तो हमने डिस्कस करना है कि हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना इक्विटी का प्रपोर्शन लेना है और कितना डेट का प्रपोर्शन लेना है, यही हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का भी फॉर्मूला रहता है. फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी. विथ डेट फंड कंपनीज फंड्स एंड अर्निंग्स इंक्रीज बिकॉज डेट इज ए चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, बट इट इज वेरी रिस्की टू इन्वॉल्व मोर डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर. मोर डेट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन अर्निंग ओनली वेन रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट. इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन द अर्निंग्स और आरओआई ऑफ द कंपनी, then more debt means loss for company. Well students, अब बहुत अच्छे से हम financial leverage के इस concept को discuss कर रहे हैं. हमने financial leverage के meaning में क्या discussion किया कि हमने ये decide करना है कि हम अपने total capital structure में debt का कितना proportion लेंगे, किस ratio में हमने debt को लेना है. अब ये depend करता है किसके ऊपर? हमारी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर पर. अब जब हम अपने कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करने जा रहे हैं, तब हमने ये बात ध्यान रखनी है कि मोर डेट जो है वो कंपनी के लिए ऑलवेज रिस्की रहता है. कि अगर हम बहुत ज्यादा डेट कैपिटल यूज करेंगे, इक्विटी को कम यूज करेंगे, तो हमारे रिस्क का क्राइटेरिया इंक्रीज कर देगी. अब कितना डेट लिया जाए? मोर डेट नहीं लेना, बहुत ज्यादा डेट हमने नहीं यूज करना क्योंकि रिस्क को नहीं बढ़ाना, बट कितना डेट लिया जाए, ठीक है, किस प्रपोर्शन में डेट और इक्विटी को डिसाइड किया जाए, ठीक है, उसको डिसाइड करने के लिए हमने इस फाइनेंशियल लीवरेज की हेल्प लेनी है. अब हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज आरओआई, अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे डेट के इंटरेस्ट रेट से अबव है, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हायर है किसके कंपैरिजन में? रेट ऑफ इंटरेस्ट के कंपैरिजन में. रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका इंटरेस्ट है? डेट का इंटरेस्ट है. हमारे डेट के इंटरेस्ट के कंपैरिजन में हमारा आरओआई अगर हायर है, उस केस में हमें जो है मोर डेट यूज करना चाहिए. वही कंपनी के लिए कंफर्टेबल रहेगा, उसकी अर्निंग्स को इंक्रीज करेगा. Contrary to it, अगर हमारा ROI less than आ रहा है, किससे? Rate of interest से, तो उस केस में हमें debt की situations को avoid करना चाहिए, हमें debt को use नहीं करना चाहिए, company के लिए वो beneficial नहीं रहेगा. तो इस सारे concept को हम two examples की help से discuss करेंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा clear हो जाएगा. और वो टू एग्जाम्पल किसके हैं? हमारे ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के.
The impact of financial leverage on the profitability of the business can be seen through EBIT EPS analysis. EBIT means earning before interest and tax, and EPS means earning per share. अब टू एग्जाम्पल्स बेटा हम लेंगे जिसमें हम ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस करेंगे और लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे. यही कंक्लूजन हमने निकालना है जो हमारी ये फर्स्ट स्लाइड बता रही है, ठीक है, कि आरओआई अगर ग्रेटर होता है किसके कंपैरिजन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट के कंपैरिजन में, तो सिचुएशंस जो है वो फेवरेबल होती हैं. और अगर आरओआई जो है वो लेस देन हो जाता है किसके कंपैरिजन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट के कंपैरिजन में, तो सिचुएशंस जो है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए, डेट को यूज नहीं करना चाहिए. तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर वन. कंपनी एक्स लिमिटेड हैज टोटल कैपिटल ऑफ ₹30 लाख, टैक्स रेट इज 30%, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट इज 10% पर एनम, ईबीआईटी यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ₹4 लाख. एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, 30 लाख रुपीज का वो इन्वेस्टमेंट करती है और 30 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट करने पर उसे 4 लाख रुपीज के प्रॉफिट होते हैं. अब उसके पास 3 ऑप्शंस हैं कि वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को किस तरह से सेट कर सकती है. मान लीजिए कि उसने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई डेट नहीं लिया. सिचुएशन वन इज देयर इज नो डेट. सेकंड सिचुएशन इज देयर इज डेट ऑफ ₹10 लाख. इट मींस कि 10 लाख रुपीज का उसने बैंक से लोन ले लिया और 20 लाख रुपीज के उसने इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए. सिचुएशन थ्री इज देयर इज अ डेट ऑफ ₹20 लाख. इट मींस कि उसने 20 लाख रुपीज का बैंक से लोन ले लिया और 10 लाख रुपीज के इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए. अब हम एनालिसिस करेंगे इन 3 सिचुएशंस का कि हमारा अर्निंग पर शेयर इन 3 सिचुएशंस में क्या क्या आ सकता है. तीनों ही सिचुएशंस में हमारा ईबीआईटी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा. ईबीआईटी इक्वल रहने का मतलब 4 लाख रुपीज हमें प्रॉफिट हो रहा है. अब ईबीआईटी क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. अब इसमें से क्या माइनस करोगे, इंटरेस्ट. इंटरेस्ट माइनस किया हमने फर्स्ट सिचुएशन में, हमारे पास कोई डेट ही नहीं था जिसमें कोई इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा. सेकंड सिचुएशन में हमारे पास 10 लाख रुपीस का डेट था और डेट का जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 10% पर एनम. 10 लाख का 10% कैलकुलेट करेंगे दैट इज 1 लाख. नेक्स्ट सिचुएशन में, थर्ड सिचुएशन में हमारे पास 20 लाख रुपीस का डेट है, 20 लाख का 10% कैलकुलेट करेंगे दैट इज 2 लाख. अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ईबीटी. ईबीटी मींस अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी कि इसमें से इंटरेस्ट क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है. फर्स्ट सिचुएशन अगर है हमारे पास तो ईबीटी हमारा 4 लाख, सेकंड सिचुएशन में ईबीटी कितना रहेगा, 3 लाख, और थर्ड सिचुएशन में 4 लाख माइनस 2 लाख दैट इज 2 लाख. अब कंपनी की अर्निंग्स आ चुकी हैं, अर्निंग्स बिफोर टैक्स है ये. अब कंपनी को इन अर्निंग्स पर क्या पे करना है, टैक्स पे करना है. कंपनी टैक्स पे करेगी, टैक्स की तो जो रेट ऑफ टैक्स है वो क्या रहेगा, तीनों ही सिचुएशंस में सेम रहेगा, ठीक है. फर्स्ट सिचुएशन में अगर कंपनी टैक्स पे करती है 4 लाख का 30% दैट इज 1,20,000. सेकंड सिचुएशन में कंपनी टैक्स पे करती है 3 लाख का 30% दैट इज 90,000. थर्ड सिचुएशन में कंपनी टैक्स पे करती है 2 लाख रुपीज का 30% दैट इज 60,000. अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या कैलकुलेट हो गया, ईएटी यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी कि टैक्स देने के बाद हमारे पास क्या अर्निंग्स बची हुई है. That is first situation 2,80,000. In situation 2, 2,10,000. In situation 3, 1,40,000. अब ये total company के profits हैं जो company ने dividend के form में shareholders को देने हैं, ठीक है. अब divide करो among the shareholders. अब shares कितने हैं, first situation अगर हमने follow की, यहाँ पर हमारे पास कोई debt नहीं था तो सारे के सारे क्या थे, shares थे हमारे पास. 30 लाख रुपीज जो हमने कलेक्ट किए हमने किसकी हेल्प से किए, इक्विटी शेयर्स की हेल्प से किए. हम अज्यूम करते हैं कि हम 10 रुपीज पर शेयर ही इशू करते हैं, तो अगर हम 30 लाख रुपीज 10 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स आ जाता है 3 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, नॉट रुपीज. उसके बाद सेकंड सिचुएशन में हमारे पास 10 लाख रुपीज का डेट है. अब 10 लाख रुपीज का डेट है तो इट मींस हमने 20 लाख रुपीज कहां से कलेक्ट किए, इक्विटी शेयर से. 20 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 10 रुपीज, क्योंकि 10 रुपए का हम एक शेयर एज्यूम कर चल रहे हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 2 लाख. थर्ड सिचुएशन में हमारे पास 20 लाख का डेट है
और 10 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं, 10 लाख के अमाउंट के इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय ₹10, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स आ गया दैट इज 1 लाख। अब हमने क्या निकालना है, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा ईएटी, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब आपके पास तीनों सिचुएशंस में ईएटी भी है और नंबर ऑफ शेयर्स भी है, तो डिवाइड कीजिए। फर्स्ट सिचुएशन में 2,80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, ईपीएस इज 93 पैसा पर शेयर। सिचुएशन टू, 2,10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, ईपीएस इज 1.05 रुपए पर शेयर। सिचुएशन थ्री, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, यानी कि 1.40 रुपए पर शेयर। अब आप इस टेबल को देखकर कंक्लूड कर सकते हैं कि जिस तरह से हमारा डेट का अमाउंट इंक्रीज होता जा रहा है, फर्स्ट सिचुएशन में नो डेट अमाउंट था, सेकंड सिचुएशन में डेट का अमाउंट थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, थर्ड सिचुएशन में और इंक्रीज हो गया, ठीक है। जिस तरह से हमारा डेट का अमाउंट इंक्रीज होता जा रहा है, उसी तरह से हमारा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। पहले 93 पैसा था, थोड़ा सा डेट यूज किया 1.05 रुपए आ गया, और डेट यूज किया 1.40 रुपए आ गया, ठीक है। तो यानी कि इस सिचुएशन में क्या है कि जिस तरह से हम डेट को यूज करते जा रहे हैं, ठीक है, हमारा अर्निंग पर शेयर फाइनली इंक्रीज होता जा रहा है। फाइनली वी कैन से दैट द कंपनी एक्स लिमिटेड अर्न्स ₹93 पर शेयर इफ इट इज यूनिलीवर, यानी कि कोई भी डेट यूज नहीं कर रही है। विद डेट ऑफ ₹10 लाख इट्स ईपीएस इज ₹1.05। With a still higher debt of ₹20 lakh, EPS rise to ₹1.40. This is called trading on equity, which refers to the increase in profit earned by the equity shareholders due to the presence of fixed financial charges like interest. यानी कि trading on equity का concept हमें ये कहता है कि हम अपने profits को increase कर सकते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, अगर हम कोई फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड कर लें। फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज क्या था, यहाँ पर इंटरेस्ट था। जो डेट हम यूज कर रहे थे उसके ऊपर हम क्या पे कर रहे थे, इंटरेस्ट पे कर रहे थे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स टू राइज फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल मीन्स बोरोड कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल so as to increase the income of equity shareholders, यानी कि अगर कोई भी कंपनी अपने equity shareholders की इनकम को increase करना चाहती है, तो उसे equity shares के साथ साथ अपने capital structure में fixed cost capital को include करना होगा। वो fixed cost capital क्या हो सकती है, debt हो सकते हैं, debentures हो सकते हैं, bank loan हो सकता है, लोन फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकती है, ठीक है। तो फाइनली वी कैन से दैट कि अगर आपने अपने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के बेनिफिट को उठाना है, ठीक है, तो आपने और किन सिचुएशंस को भी चेक करना है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं। अब हमने यहाँ देखा कि हमारा जो शेयर होल्डर है उसका ईपीएस इंक्रीज हो रहा है, कैसे, जैसे जैसे हम मोर डेट को यूज करते जा रहे हैं, दस द शेयर होल्डर्स आर लाइकली टू गेन ड्यू टू द डेट और लोन कंपोनेंट इन द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। हमारा शेयर होल्डर गेन ले रहा है किसकी वजह से, डेट और लोन कंपोनेंट की वजह से ले रहा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक फैक्टर और भी आपने चेक करना है, ऐसा क्यों हो रहा है, इट इज बिकॉज द कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कंपनीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज ROI, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ROI से क्या है, लेस है। ROI मोर है और रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस है, ठीक है। अब आपको ROI चेक करना है कंपनी का, ROI को चेक करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, EBIT डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना था, 4 लाख। टोटल कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया कंपनी ने, 30 लाख। 4 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 13.33%। और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10%, जो कि हमारा क्या था, मोर लेस था किससे, ROI से। ROI अबव है और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कम है, तो ही हम इस ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट उठा पा रहे हैं, यानी कि हमारा अर्निंग पर शेयर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। Finally, we can say that this is higher than the 10% interest rate on debt
With higher use of debt, the difference between ROI and the cost of debt increase the EPS. This is a situation of favorable financial leverage. Means कि हम favorable financial leverage में काम कर रहे हैं, यानी कि हम अपने shareholders को maximum earnings देने के लिए capable हैं. और ये favorable financial situation कब होती है? When ROI is higher than the cost of debt, financial leverage is favorable. In such cases, companies often employ more of cheaper debt to enhance the EPS. In cases में जब आपका financial leverage favorable आ रहा हो, positive आ रहा हो, उन cases में आप cheaper debt का बहुत बड़े amount में use कर सकते हो, ताकि आपका EPS और भी ज़्यादा increase हो सके. अब हम एक और example लेंगे, जिसमें हम ये check करेंगे कि अगर आपका ROI जो है वो लेस आ रहा है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो उस सिचुएशन में आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको डेट की सिचुएशंस को अवॉइड करना पड़ेगा. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट वन, एग्जांपल नंबर टू. कंपनी वाई लिमिटेड हैज टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ₹30 लाख, टैक्स रेट इज 30% एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट इज 10% पर एनम, ईबीआईटी इज ₹2 लाख. अब देखो सारी सिचुएशन सेम है, पीछे हमने एक्स लिमिटेड का एग्जांपल लिया, अब हम वाई लिमिटेड का एग्जांपल ले रहे हैं. वहां भी 30 लाख रुपीस का ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट था, रेट ऑफ जो टैक्स था वो भी 30% था, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट था वो भी क्या था, 10% था, बट ईबीआईटी क्या था वहां पर, 4 लाख था, यहाँ क्या है, 2 लाख है. वही तीनों सिचुएशन सेम रहेंगी. फर्स्ट सिचुएशन नो यूज ऑफ डेट, सेकेंड सिचुएशन देर इज अ डेट ऑफ ₹10 लाख, थर्ड सिचुएशन देर इज ए डेट ऑफ ₹20 लाख. नाउ कैलकुलेट द टेबल, टेबल को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस करते हैं. ईबीआईटी कितना है, फर्स्ट सिचुएशन में भी 2 लाख, सेकेंड में भी 2 लाख एंड थर्ड में भी 2 लाख. इंटरेस्ट माइनस कीजिए, फर्स्ट सिचुएशन में नो डेट तो नो इंटरेस्ट, सेकेंड सिचुएशन में डेट इज ₹10 लाख, 10 लाख का 10% कैलकुलेट करेंगे दैट इज 1 लाख, थर्ड सिचुएशन में डेट इज ₹20 लाख, 20 लाख का 10% कैलकुलेट करेंगे दैट इज 2 लाख. अब ईबीटी कैलकुलेट कीजिए, 2 लाख में से कोई इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ, 2 लाख, 2 लाख में से 1 लाख का इंटरेस्ट माइनस कर दिया, रिमेनिंग इज 1 लाख. 2 लाख इनकम हुई और 2 लाख इंटरेस्ट पे कर दिया, द इनकम इज 0, निल हो गया. टैक्स पे कीजिए, 2 लाख पर 30% टैक्स पे करेंगे 60,000, ईएटी कितना रिमेनिंग रह गया, 1,40,000, 1 लाख पर 30% टैक्स पे करेंगे दैट इज 30,000, ईएटी कितना रह गया, 70,000. जब इनकम ही नहीं है तो नो टैक्स नो ईएटी. नंबर ऑफ शेयर्स वही सेम रहेंगे जैसे लास्ट सिचुएशन में थे, एक्स कंपनी के केस में 3 लाख फर्स्ट सिचुएशन, 2 लाख सेकेंड सिचुएशन एंड 1 लाख लास्ट सिचुएशन. ईपीएस कैलकुलेट कीजिए, ईपीएस कैलकुलेट करने का वही फॉर्मूला रहेगा, ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, 0.47, यानी कि 47 पैसा आप अपने शेयर होल्डर को क्या पे कर सकते हो, डिविडेंड. सिचुएशन टू, 70,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, आप अपने शेयर होल्डर को ईपीएस दे रहे हो कितना, 0.35, यानी कि 35 पैसा पर शेयर डिविडेंड पे कर सकते हो. यहाँ तो थर्ड सिचुएशन में कोई अर्निंग ही नहीं थी, तो इसीलिए कोई भी डिविडेंड पे नहीं होगा, ईपीएस निल रहेगा. अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने जैसे जैसे डेट का यूज करना शुरू किया, आपका ईपीएस क्या होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया. पहले आप 47 पैसा डिविडेंड देते हैं, फिर अगर आप डेट का यूज कर लेते हैं तो आपका डिविडेंड कम हो जाता है, फिर और मोर डेट का यूज करते हैं तो आपका डिविडेंड क्या हो जाता है, बिल्कुल ही जीरो हो जाता है. अब इसके पीछे बेसिक फैक्टर क्या काम कर रहा है, आरओआई काम कर रहा है. कैलकुलेट द आरओआई, आरओआई ऑफ द कंपनी इज 2 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख. आरओआई का क्या फॉर्मूला था आपका, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड. ईबीआईटी कितना था वाई कंपनी का, 2 लाख, इन्वेस्ट कितना किया, 30 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 6.67%, जबकि इंटरेस्ट रेट क्या है, रेट ऑफ डेट का जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 10%. दिस इज अ सिचुएशन ऑफ अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज. ठीक है, ये कौन सा लीवरेज आ गया यहाँ पर, अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज आ गया. व्हेन आरओआई इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डेट, फाइनेंशियल लीवरेज इज अनफेवरेबल.
इन सच केसेस द यूज ऑफ डेट रिड्यूसेस द ईपीएस। अगर आपका आरओआई कम आ रहा है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो आप डेट पर पे करने जा रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपका फाइनेंशियल लीवरेज क्या रहेगा, अनफेवरेबल रहेगा। इन सच केसेस द यूज ऑफ डेट रिड्यूस द ईपीएस, और आपका ईपीएस क्या होना शुरू हो जाएगा, लगातार रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज क्लियरली अनएडवाइजेबल इन सच ए सिचुएशन, और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आपके लिए यहाँ पर फेवरेबल नहीं रहेगा जब आपका आरओआई आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या आएगा, कम आएगा। फाइनली कंक्लूड करेंगे हम अपने वीडियो को। हमने इस पूरे वीडियो में क्या जो है लर्न किया, व्हेन आरओआई इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट, ठीक है, तो उस केस में अगर आप डेट को यूज करते हो तो आपकी अर्निंग्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और व्हेन आरओआई इज लेस देन इंटरेस्ट रेट, उस केस में अगर आप डेट को यूज करते हो तो आपकी अर्निंग्स रेगुलर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब आपने इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से लर्न करना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बोथ जो टेबल्स हैं इसके अंदर उन टेबल्स को बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है, अंडरस्टैंड करना है, और कंसेप्ट को नोट्स की हेल्प से बहुत अच्छे से आपने लर्न करना है। Thanks and have a nice day.